Hello dear students, welcome back to YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will discuss computer application of class 9th. In this video, we will discuss topic mobile applications and the types of mobile applications. We have already discussed lots of applications and the application softwares. Now in this video, we will focus more on mobile applications. As you all know that due to the lockdown condition, spread of COVID-19, we are at our homes only, and more and more time is spending on mobile phones and laptops, computers, isn't it? तो यानी जो आजकल का जो हमारा mostly जो time है वो mobile phones पे ज़्यादातर spend हो रहा है. As you know, online education भी आपको provide की जा रही है, आप लोग भी self study भी mobile के through कर रहे होंगे, as well as आप music सुनते हैं, games खेलते हैं, ये आपका extra एक्टिविटीज़ भी हैं. सो दैट मीन्स कि ज़्यादातर हमारा जो टाइम है वो मोबाइल एप्लीकेशंस पे या मोबाइल फ़ोन्स पे ज़्यादातर हम लोग जो है उसको यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादातर इंगेज रहते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक भी मोबाइल एप्लीकेशन है और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं. यू हैव ऑल्सो सीन कि आपका जब कोई भी मोबाइल फ़ोन आप बाय करते हैं तो कुछ ऐप्स आपने देखी होंगी जो पहले से आपके होम स्क्रीन पे होती हैं, कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, कुछ ऐप्स ऐसी होती है जिसके लिए इंटरनेट एक्सेस चाहिए होता है, कुछ ऐसी होती है विदाउट इंटरनेट एक्सेस के होती हैं. तो ये सब डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा. तो ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो में सीखेंगे या समझेंगे कि क्या डिफरेंशिएशन होता है इन सब में, क्यों सारी ऐप्स एक साथ नहीं आती हैं और क्यों जो है हम लोग जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, है ना. तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज़ मोबाइल एप्लीकेशन. Mobile applications are the software, first of all, because as you all know, these are the software applications, because we can only see the applications, we can't touch them, okay, we can just only use the mobile applications, and these applications are the essential part of our mobile phones. As you all know, कि अगर आपके mobile phones में अगर applications नहीं होंगी, आपका mobile phone किसी काम का नहीं है. Isn't it? It will be just an empty box. So, application जो होती हैं आपके mobile phone में वो सारी के सारी क्या हैं. सबसे पहले तो एक software होते हैं, programs होते हैं, number of programs होते हैं जिन्हें design किया जाता है for the end user. End user का मतलब होता है end to end encryption. आपने WhatsApp पे भी देखा होगा जब कोई account create करते हैं. End users का मतलब होता है कि जब कोई भी company या manufacturing company जो है mobile phones की, अगर कोई भी जो है mobile phone उसने design किया है, तो वो जो मोबाइल फ़ोन का जब यूज़ करेगा तो कोई भी डायरेक्टली जो है यूज़र करता है, इजेंट इट. यानी सिर्फ जो है आपका मोबाइल फ़ोन की जो कोई भी ऐप्स हैं, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि जो है आपके मोबाइल फ़ोन को बहुत लोग इस्तेमाल करके और फिर आप एक नया फ़ोन जाएं खरीदने तो वो आपको मिले. नहीं, वेन एवर यू आर बाइंग एनी मोबाइल, सो आपको हमेशा फ्रेश ऐप मिलती हैं, फ्रेश मोबाइल मिलता है, जिसका कि मतलब यही होता है कि कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वो हमेशा जो है वो एंड यूज़र्स के लिए, ठीक है, क्रिएट करती है एप्लीकेशंस को. तो ये जो एप्लीकेशन होती हैं, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो देखते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में, ये जो एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से आपका मोबाइल, आपका स्मार्टफोन्स, आपकी टैबलेट्स चल पा रही हैं, आप उस पर वर्क कर पा रहे हो, वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं. सो द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस विच आर डिज़ाइंड टू रन मोबाइल डिवाइसेस, योर स्मार्टफोन्स, योर टैबलेट्स, दीज आर कॉल्ड मोबाइल applications. These applications are using more and more day by day. इनका जो है use है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, as you all know, क्योंकि हमारा जो mobile app है या जो mobile phones हैं, एक तो बहुत ही portable हैं, आप कहीं पर भी बैठ के easily अपने mobile phone का use कर सकते हैं, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं उसको, तो बहुत ज़्यादा popular है और बहुत ज़्यादा use में आ रहा है. साथ ही साथ mobile जो है उसमें इतनी सारी applications आप देख रहे हैं कि डे बाय डे इतनी applications हो गई है कि आपका अगर कोई भी particular एक वर्क करना है, कोई जॉब करना है, किसी भी तरह का अगर कोई असाइनमेंट है आपके पास, उसको करने के लिए आपको एक सेपरेट ऐप मिल जाती है, जिससे कि आप अपने वर्क को बहुत इन्हेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा जो है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं. सो लाइक दैट वे
कि आप जितनी भी जो है, जैसे कि जितना भी जो वर्क पहले डेस्कटॉप पे होता था, लैपटॉप्स पे होता था, आप वेब से कनेक्ट होते थे, डेस्कटॉप की भी जो अपनी ऐप्स होती हैं उसी का एक तरह से मिनी वर्जन जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें जो है MS ऑफिस की जो एप्लीकेशन डॉक्स के नाम से होती है, जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखेंगे तो हम MS एक्सेल चलाते हैं, वर्ड चलाते हैं, इसी तरह से तो वो एप्लीकेशन जो है MS ऑफिस के नाम से हमारे लैपटॉप्स में होती हैं, डेस्कटॉप्स में होती हैं, वही एप्लीकेशन आपको जो है आपके मोबाइल फ़ोन में इजीली डॉक्स के नाम से मिल जाती है, इजेंट इट, जिसमें आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, PPTs बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में भी, पिक्चर, जैसे कि आपने देखा होगा पहले ड्राइंग करते थे डेस्कटॉप्स पे, तो सेम ड्राइंग टूल्स भी हैं बहुत सारे, कलरिंग कर सकते हैं, ड्राइंग की ऐप्स हैं बहुत सारी। सेम इसी तरह से अगर आपको फोटो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए भी बहुत सारी ऐप्स हैं। तो इस तरह से कि आपको हर टास्क के लिए बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस आपके मोबाइल फ़ोन में अवेल रहती हैं, चाहे आप उन्हें साथ ही प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्मार्टफोन का जो यूज़ है आज वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, और जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं मोबाइल पे, मोबाइल की एप्लीकेशंस पे, और कहीं ना कहीं उसने हमारी लाइफ को थोड़ा सिंपलर भी बना दिया है, थोड़ा सा कह सकते हैं एक्टिव भी एक तरह से हो चुके हैं हम लोग, कि मतलब हम लोग खाली अगर लॉकडाउन की जैसी कंडीशन अगर घर में होते, कुछ और नहीं होता हमारे पास, जैसे बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम ऑनलाइन स्टडीज़ भी कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सर्च करनी है, आपके पास टीचर्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वहाँ पर जो है ऑनलाइन टीचर्स भी मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, लेकिन हम अगर हम उसका जो है प्रॉपर यूटिलाइज करें देन ओनली। द वर्थ मोबाइल ऐप्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन द ऐप स्टोर ऑल्सो। मोबाइल की एप्लीकेशंस आपने देखा होगा कि जो ऐप स्टोर है, जो एप्लीकेशंस का स्टोर होता है, जो प्ले स्टोर होता है, उस पर जो है मोबाइल की ऐप्स डे बाई डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं। आपको हर असाइनमेंट के लिए, हर जॉब के लिए आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिनका आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली ये हर टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन की जाती है, यानी जो एंड्रॉयड हैं उनके लिए भी, iOS डिवाइसेस के लिए भी, या फिर जो अगर आपके विंडोज़ के फ़ोन हैं उनके लिए भी, हर तरह के प्लेटफॉर्म के लिए आपको मोबाइल ऐप्स आपके प्ले स्टोर्स में, ऐप स्टोर में अवेलेबल होती हैं। हमारे जो कुछ मोबाइल एप्लीकेशन हैं तो उन सबको कुछ कैटेगरीज में सब डिवाइडेड किया गया है, तो वो कैटेगरीज हमारी कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि नेटिव ऐप्स हैं, वेब ऐप्स हैं और हाइब्रिड ऐप्स हैं। सो दीज आर द 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ द मोबाइल ऐप्स। नाउ वी विल डिस्कस ऑन देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल नेटिव ऐप्स, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि नेटिव ऐप्स क्या होती हैं। नेटिव ऐप्स जो है बेसिकल क्या होती है, जो आप डिवाइस कभी भी जो लेते हैं उसका जो आपने होम स्क्रीन देखा होगा, उस होम स्क्रीन पे जितने भी आइकन्स बने हुए होते हैं वो हमारे सब नेटिव ऐप्स होते हैं, इजेंट इट। सो नेटिव ऐप्स आर ऑन द रडार ऑफ द सिंपल रीजन दैट दीज एप्लीकेशन आर ऑन द डिवाइस। दैट मीन्स जो नेटिव एप्लीकेशन होते हैं, जब कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो जो डिवाइस को ध्यान में रखते हुए, यानी जो कोई भी डिवाइस जो डिज़ाइन किया गया, कोई भी जो मोबाइल डिज़ाइन किया गया है उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जो कि कंपनी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंस्टॉलर हैं, वो उस तरह की एप्लीकेशंस को उसमें इंस्टॉल करवाते हैं। तो वो जो ऐप्स होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं, है ना, तो या फिर जो आपको अवेलेबल होती हैं एप्लीकेशन स्टोर पे, वेब स्टोर पे, गूगल ऐप स्टोर पे, ये सारी जो एप्लीकेशंस हमारी क्या होती हैं, नेटिव एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, हमारी नेटिव एप्लीकेशंस होती हैं। दीज एप्लीकेशन कैन ऑल्सो यूज़ अदर ऐप्स। ये जो एप्लीकेशंस होती है इसमें और अदर एप्लीकेशंस भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा कैमरा, म्यूज़िक है, GPS है, कॉन्टैक्ट की लिस्ट है, लोकेशन एक्सेट्रा, ये सब हमारी जो है क्या होती हैं, नेटिव एप्लीकेशन में आती है। नेटिव एप्लीकेशंस में मोस्टली आपको पता होगा कि जो हर तरह का जो स्पेसिफिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको डिवाइस को जो है प्रॉपर जो है माइंड में जो है कैप्चर करके देन ये जो एप्लीकेशंस जो है डिवाइसेस के अकॉर्डिंग रेडी की जाती है। सम नेटिव एप्लीकेशंस कैन रन ऑन द डिवाइसेस विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट ऑल्सो, बट अदर्स मे बी नीड इंटरनेट फैसिलिटी for full functionality. Some of the applications you have seen that you need internet access also if you want to run the applications properly, isn't it? These are designed for a particular platform and are expensive to develop and maintain. Now
नेटिव एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो पहले तो हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है कि एक तो उसको स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी या जो लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है वो जावा है, पाइथन है, स्विफ्ट है, सी, सी प्लस प्लस, इस तरह के जो लैंग्वेजेस का मोर पॉपुलरली यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें, जैसे देख रहे हैं आप एंड्रॉयड है, iOS, इनमें इसमें नेटिव एप्लीकेशंस इनकी खुद की होती हैं अपनी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके प्रोज एडवांटेजेस क्या हैं, तो इसके एडवांटेजेस में देखेंगे कि बेटर फास्टर परफॉर्मेंस होती है। आपने देखा है कि जो मोबाइल की जो नेटिव एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत ही फास्ट वर्क करती हैं, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्मेंस होती है उनकी। उसके लिए जो है आपको प्रॉपर जो है उसका जो है जितने भी जो कोड्स होते हैं उसका वो भी प्रॉपरली आपने देखा होगा प्रॉपरली रन करते हैं। उसके जो डिवाइस के जो फीचर्स हैं उनको आप बहुत प्रॉपरली रन कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी भी जब आपका फ़ोन हैंग इश्यूज होते हैं तो जो मोबाइल की जो अदर ऐप्स हैं जो आपने अलग से डाउनलोड करी हैं उनमें ज़्यादातर इश्यूज़ आते हैं रेदर देन होम ऐप्स, इजंट इट। अगर इनके हम जो है डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एक तो, इजेंट इट, ये क्या है जो आपके डिवाइसेस में स्पेस भी ज़्यादा कवर करते हैं एंड थोड़ा सा उनको मेंटेन करना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज टाइम टू टाइम यू नीड टू अपडेट द एप्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मोबाइल की वेब ऐप्स कौन सी होती हैं, तो वेब ऐप्स बेसिकली जो होती हैं जिनमें जो है हम लोगों को एक तो इंटरनेट की कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिकली जो होती है ब्राउज़र बेस्ड होती हैं और जो है रिमोट सर्वर पर क्या होती हैं, जो रिमोट सर्वर पर जो क्या होती हैं स्टोर होती हैं, ठीक है। सो यूज़र कैन एक्सेस देम एनी अदर वेब पेजेस एंड देन सेव ऑन देयर कंप्यूटर बाय क्रिएटिंग और बुकमार्क और दैट पेज। यू हैव ऑल्सो सीन दैट जो अगर आप लैपटॉप पे भी जैसे अगर आप कर रहे हो कोई भी एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हो तो आपको बुकमार्क्स में डालना पड़ता है सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट इन द फ्यूचर इफ़ यू नीड इट यू कैन जस्ट क्लिक इट एंड यू कैन गो थ्रू। मोबाइल वेब ऐप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो मोबाइल की जो वेब ऐप्स होती हैं एक्चुअली दे रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन। यूजुअली जो ब्राउज़र बेस्ड जो ऐप्स होती हैं जो कि ब्राउज़र पे रन करती हैं एंड मोस्टली जो है वो रिमोट सर्वर पर स्टोर रहती हैं एंड वी कैन एक्सेस देम लाइक एनी अदर वेब पेजेस लाइक यू हैव ऑल्सो यूज्ड इन योर कंप्यूटर योर लैपटॉप्स ऑल्सो बुकमार्क्स क्रिएट करते हैं हम लोग। जैसे कोई भी वेबसाइट है अगर आपको इन फ्यूचर रेफरेंस अगर आपको इसका यूज़ है तो आप बुकमार्क्स में डाल देते हैं तो सेम चीज़ हम लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी कर सकते हैं। तो कुछ वेब एप्लीकेशंस होती हैं जिनके साथ जो है मिनिमम आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं मेमोरी जो है उतनी एलोकेशन देना होता है तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं मोबाइल ऐप्स भी हमारे कुछ होती हैं जिसको हम मोबाइल फ़ोन्स में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कुछ गूगल मैप्स हो गई इंस्टेंट मैसेंजर हो गए इस तरह की ऐप्स जो है हमारी मोबाइल वेब ऐप्स में होती हैं जो कि एक्चुअली एप्लीकेशंस जो है मतलब वेब ऐप्स तो मोबाइल वेब ऐप्स जो होते हैं एक्चुअली एप्लीकेशंस तो होती हैं है ना बट वो वेबसाइट्स के थ्रू में होती हैं इजंट इट। मतलब वो एक्चुअल जैसे कि आपके प्रॉपर एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड होती वो नहीं होगी लेकिन जो क्या होते हैं कि आपका जो जैसे कि नेटिव एप्लीकेशंस होती हैं उस तरह की नहीं होती है लेकिन जो कुछ सम टाइम के लिए जैसे आप वेब पे गए किसी भी ब्राउज़र पे गए वहाँ पे आपने कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ किया या कोई भी एप्लीकेशन को आपने देखा सर्च करा तो वो सब चीज़ें हमारी जो है मोबाइल वेब ऐप्स पे आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो जितनी भी जैसे जो मैसेंजर होते हैं कुछ तरह के इंस्टेंट मैसेंजर होते हैं या नोटिफिकेशन हैं इस तरह के जो वेब से कनेक्टेड होते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं तरीके क्या है ऐप्स ही हैं एप्लीकेशंस ही हैं एंड दे रन ऑन द ब्राउज़र एंड रिटर्न इन HTML5। यानी मोस्टली जो मोबाइल ऐप्स होते हैं एज़ यू ऑल नो कि जितनी भी वेब डिज़ाइनिंग होती है वो HTML में या फिर CSS के कोडेड में होती है या PHP में इसके अलावा तो मोस्टली जो है इसमें भी जो है मोबाइल ऐप्स में भी जो होते हैं वो उसके लिए इन्हीं लैंग्वेजेस का प्रेफरेंस लिया जाता है। एंड जैसे कि अगर आप जो है मोबाइल को जो है सफारी या गूगल क्रोम या एनी अदर ब्राउज़र अगर आप यूज़ कर रहे हो फेसबुक ओपन कर रहे हो तो इस तरह से जो आपने देखा होगा कई बार आप जो है उसको वेब पेज के थ्रू ओपन करते हो इंस्टॉल करनी पड़ती है आपको कभी कभी जो है आप उसको इंस्टॉल करते हो फेसबुक को अपने होम स्क्रीन पे तो इस तरह की जो ये क्या है मोबाइल वेब ऐप्स हैं जिनका आप जो है यूज़ करते हो। जैसे कि आपने फेसबुक मोबाइल भी देखा होगा जो कि क्या होता है काफ़ी कम स्पेस कवर अप करता है अकॉर्डिंग टू योर डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप पे है आपके पता फुल वर्जन होता है उसका एक शॉट आप जो है उसमें क्या कर सकते हैं मोबाइल फेसबुक के नाम से भी डाउनलोड कर सकते हैं या रन कर सकते हैं तो इस तरह की जो ऐप्स होती हैं वो हमारी मोबाइल वेब ऐप्स होती हैं। नाउ एक्चुअली ये जो होती हैं कहीं ना कहीं जो है हमारी लिंक करती हैं नेटिव ऐप्स से जो हमारी जो मेन ऐप्स होती हैं उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती हैं। वेब ऐप्स की अगर हम बात करें तो
एक्चुअली वेब एप्स कैन वर्क ऑन एनी डिवाइस और एनी ओएस बिकॉज दे आर डिलीवर्ड यूजिंग अ वेबसाइट ब्राउज. एक्चुअली वेब एप्लीकेशंस होती हैं सबसे पहले क्या प्लेटफॉर्म जो है इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ये दे कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म. यानी ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, यानी एक ऑपरेटिंग यानी लिनक्स है तो उसके लिए अलग बनेगी और जो है यूनिक्स है उसके लिए अलग बनेगा, विंडोज़ के लिए अलग बनेगा. नहीं, कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्योंकि हमारा जो एक्सेस होता है मेन एक्सेस वो वेबसाइट या वेब ब्राउज़र के थ्रू होता है, तो इसीलिए जो है ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करती है. इसके साथ ही साथ वेब एप्लीकेशन की जो टेक्नोलॉजी, वो मैंने अभी आपको बताया था कि लैंग्वेजेस जो प्रेफरेंस हो जाती है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो HTML5 है, CSS है, PHP है, JavaScript है, इन सब का इस्तेमाल होता है इन एप्लीकेशन को डिज़ाइनिंग के लिए. अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक तो वेब जो एडवांटेज है वो तो इसकी एडवांटेज ये है कि तो वेब बेस्ड होती है, उसको मेंटेन करना बहुत इजी होता है, स्टोरेज का कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है. लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में एक तो ये ब्राउज़र डिपेंडेंट होती है, क्योंकि अगर ब्राउज़र जब सही चलता है, ब्राउज़र है आपके पास, देन ही आप उनको यूज़ कर पाएंगे. दूसरा जो है इंटरनेट कनेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी एक है कि अगर जबके पास अगर इंटरनेट पैक नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप उन ऐप्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं. दूसरा जो है लो एक्सेसिबिलिटी मिलती है. आपने भी देखा होगा जो इंटरनेट की जो कनेक्टेड ऐप्स होती हैं उसके लिए आपको जो इंटरनेट स्पीड चाहिए वो बहुत फास्ट चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ ऐप्स वेरी प्रॉपरली. अगर अब हम हाइब्रिड ऐप्स की बात करें तो हाइब्रिड ऐप्स जो हैं कह सकते हैं हाइब्रिड एक कॉम्बिनेशन होता है वेब ऐप्स का और नेटिव ऐप्स का. दीज ऐप्स कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड इंस्टॉल ऑन द डिवाइसेस, एंड दीज ऐप्स रिक्वायर द डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट. मोस्ट ऑफ द केसेस इट रिक्वायर्स द इंटरनेट कनेक्शन. एंड हाइब्रिड ऐप्स कैन बी स्टोर्ड पार्शली ऑन द लोकल डिवाइस एंड पार्शली ऑन द रिमोट सर्वर ऑल्सो, isn't it? जैसे कि आपने देखे होंगे कि कुछ गेम्स जो हैं, यानी कि जो उनको आप क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम तक आप उनको ऐसे ही खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो देन आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा उसके नेक्स्ट लेवल को डाउनलोड करने के लिए. जैसे कि गेम्स है, कैंडी क्रश है, ये हाइब्रिड ऐप है, इसको आप क्या कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे भी खेल सकते हैं और सेम आप वेब पे भी खेल सकते हैं, दोनों पे अवेलेबल हैं आपके लिए, isn't it? तो नेटिव जो ऐप्स होती हैं और साथ ही में जो मोबाइल की जो वेब ऐप्स होती हैं उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उनसे मिलके बनती है हमारी हाइब्रिड ऐप्स. जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी आपको आपको बताया अभी कि जो गेम्स होते हैं, इसी तरह से जो है आपने देखा होगा फिशडम गेम भी है, उसको आप क्या कर सकते हैं कि जब तक आप क्या कर रहे हैं रन कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में विदाउट इंटरनेट भी खेल सकते हैं, लेकिन बट आफ्टर सम लेवल्स यू नीड योर इंटरनेट कनेक्शन ऑल्सो, देन उसके बाद उसके नेक्स्ट लेवल भी ओपन हो सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको जो है ऑनलाइन भी प्ले कर सकते हैं, वेब पे भी प्ले कर सकते हैं. हाइब्रिड एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो पहला ये इसका जो मेन पॉइंट्स हैं कि एक तो ये कॉम्बिनेशन होता है आपका नेटिव एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन का. जो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव सी है, HTML है, लॉनिक है, स्विफ्ट है, इनका यूज़ किया जाता है इसमें. अगर हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले कि एक तो चीपर टू बिल्ड, इनको बनाना बहुत चीपर होता है, बहुत जल्दी क्विकली लोड कर सकते हैं, और इसमें जो है कोड्स जो है काफ़ी कम होते हैं मेंटेन करने के लिए. नेक्स्ट जो इसके डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो एक तो इसमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा नहीं होता, यानी कि ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, चेंजेस बहुत नहीं कर सकते हैं उसमें, अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, थोड़े से स्लो भी होते हैं कई बार, क्योंकि जब आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट साथ साथ होती है तो बहुत मुश्किल होती है, डिमांड्स इंटरनेट एक्सेस, दैट इज़ अ डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं है आपके फ़ोन में तो आप इनको रन नहीं कर सकते हैं. सो दीज ऑल वर द थ्री मेन मोबाइल एप्लीकेशन कैटेगरीज. द मोबाइल एप्लीकेशंस आर अवेलेबल फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक द चेक न्यूज, चैट, वीडियो कॉलिंग, बैंकिंग, ब्यूटी इन्हांसर्स, फिटनेसेस एक्स्ट्रा. एज यू ऑल नो कि आपको इन सब से रिलेटेड मोबाइल ऐप्स मिल जाएंगी. न्यूज़ के लिए भी ऑनलाइन न्यूज़ है, आप इसमें न्यूज़ के भी कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं आपकी, जिससे कि आप ऑनलाइन न्यूज़ दे सकते हो अपने खुद के चैनल्स की, जो है ABP न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, इनकी खुद की ऐप्स भी हैं. जो अगर आप जो देखा होगा अगर आप लोगों ने कि अगर आप लोग जो है प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूज़ के जो है न्यूज़पेपर्स भी मिल सकते हैं रीडिंग के लिए, ऑनलाइन के लिए. साथ ही साथ जो है अगर आप देखा होगा कि अगर आप जो है कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़ करते हैं जिसमें कि लाइव स्ट्रीमिंग होती है, वेब एप्लीकेशंस चलती हैं,
है ना, तो उसमें भी देखा होगा कि आपने से हॉटस्टार है, हॉटस्टार में भी देखेंगे न्यूज़ चैनल्स भी चलते हैं जिसमें आप न्यूज़ भी देख सकते हैं। इसी तरह से जो जियो का है तो जियो की भी जो ऐप्स आती हैं जिसमें कि आप पूरा सिनेमा देख सकते हैं, साथ ही साथ उसमें जो है बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि चैट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, चैट सॉफ्टवेयर भी आपको पता है कि बहुत सारी चैटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, व्हाट्सएप चैट है, स्नैपचैट है, और भी अदर सॉफ्टवेयर्स हैं वीडियो कॉलिंग के हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं आप लोग एक दूसरे व्हाट्सएप से भी जैसे वीडियो कॉलिंग करते हैं। इसके अलावा जो है आपका जियो है, गूगल का जो है, बैंकिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे फ़ोनपे है, पेमेंट्स भी होती हैं इजीली, ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए भी बहुत सारे, ब्यूटी टिप्स के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें कि, और कुछ ऐसी ऐप्स भी हैं जिसमें कि आप उससे रिलेटेड जैसे वेब पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से फिटनेस की भी बहुत सारी ऐप्स हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस आपने देखी होंगी कि आपके प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल होती हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। सो देर आर इमेंडेबल वेज मोबाइल ऐप्स कैन वर्क फॉर यू एंड दीज आर डेवलप्ड टू सर्व एज अ शॉर्टकट फॉर अवर डेली लाइफ बिजनेसेस। एज यू ऑल नो बिकॉज वी हैविंग वेरी बिजी शेड्यूल राइट नाउ, एक्चुअली हम लोग का बहुत बिजी शेड्यूल होता है अगर इस एज की बात करें, नॉट राइट नाउ, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली जो आजकल का जो टाइम चल रहा है, इन दिस एज वी हैव वेरी बिजी शेड्यूल, वी हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स वर्क एंड वी नीड एवरीथिंग टू बी डन ऑन सिंगल हैंड एंड एट द पर्टिकुलर टाइम। लाइक अगर आप पढ़ने भी जा रहे हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सोचते नहीं मुझे अभी मिल जाए तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिनिश ऑफ कर लूँ, इजंट इट। इसी तरह से अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो योगा अभी करना है तो मुझे अभी इसका अभी सीखना है तो आप उसे तुरंत सीख सकते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है आपकी लाइफ को बहुत ईजी, बहुत सिंपलियर बना दिया है, इजंट इट। साथ ही साथ एक बहुत बिजनेस लेवल पे भी देखा जाए तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका। इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, हमारी जो डेली लाइफ जो है उसको बहुत ही एक प्रॉपर वे में भी बना दिया है इसने, क्योंकि आप हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है आपके मोबाइल फोन्स पे, इजंट इट। सो द मोबाइल एप्लीकेशंस आर वेरी यूजफुल इफ़ यू यूटिलाइज देम, इजंट इट, इफ़ यू डोंट मिसयूज देम। अगर यूटिलाइज करें प्रॉपरली तो बहुत अच्छी हैं ऐप्स, लेकिन अगर मिसयूज करते हैं तो कोई भी चीज़ किसी के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो यूज़ द ऐप्स एज पर योर एज, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड एज पर द एथिक्स ऑल्सो। थैंक यू।